सिटी पोस्ट में आपके साथ में मैं हूं अनामिका। आखिरकार फैंस का इंतजार खत्म हुआ और गुरुवार को सलमान खान की मोस्ट वांटेड फिल्म राधे योर मोस्ट वांटेड भाई का ट्रेलर रिलीज कर दिया गया, यानी कि आज ट्रेलर का प्रीमियर सुबह 11 बजे यूट्यूब पर किया गया, जिसको देखने के लिए सलमान के तमाम फैंस कल से ही लाइन लगाए हुए थे। प्रीमियर के बाद सलमान ने ट्रेलर सोशल मीडिया अकाउंट्स के जरिए साझा भी किया, यानी कि शेयर भी किया। राधे और मोस्ट वांटेड भाई सलमान खान के अंदाज की एक्शन ड्रामा फिल्म है, जिसमें वो एक बार फिर अंडरकवर कॉप राधे की भूमिका निभा रहे हैं। राधे इस बार ड्रग माफिया का सफाया करता नजर आएगा। रणदीप हुड्डा फिल्म में नेगेटिव किरदार में सलमान से दो दो हाथ करते नजर आ रहे हैं। दिशा पाटनी का नाम दिया है और राधे के साथ उनकी लव स्टोरी दिखाई गई। रियल लाइफ में टाइगर श्रॉफ की करीबी दोस्त दिशा राधे में जैकी श्रॉफ की बहन बनी है, जो खुद पुलिस अफसर है। ये दोनों कलाकार सलमान के साथ भारत में भी काम कर चुके हैं। फिल्म का निर्देशन प्रभुदेवा ने किया है, जिनके साथ सलमान की ये तीसरी फिल्म है। 2008 में आई वांटेड से पहली बार सलमान और प्रभु का एसोसिएशन हुआ था, जिसके बाद प्रभुदेवा ने दबंग 3 निर्देशित की थी। अगर राधे की नजर से देखा जाए तो फिल्म वांटेड का ही विस्तार है और उसी किरदार के साथ प्रभुदेवा ने इस बार ड्रग्स के खिलाफ नार्कोटिक्स विभाग की लड़ाई को कहानी का आधार बनाया है। राधे और मोस्ट वांटेड भाई 2021 की मोस्ट अवेटेड फिल्मों में शामिल है। सलमान ने फिल्म को इस साल ईद पर रिलीज करने का कमिटमेंट किया था, जिसे वो पूरा कर रहे हैं और फिल्म तय कार्यक्रम के मुताबिक 13 मई को सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है। मगर कोरोना वायरस पैनेडेमिक के चलते हालात को देखते हुए फिल्म को साथ साथ डिजिटल प्लेटफॉर्म G5, जिप्लेक्स और DTH प्लेटफॉर्म पर रिलीज करने का फैसला भी किया गया। हालांकि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर फिल्म मुफ्त में देखने को नहीं मिलेगी, इसके लिए तय राशि खर्च करनी होगी। राधे बॉलीवुड की पहली फिल्म है जो हाइब्रिड मॉडल के तहत रिलीज हो रही है, यानी एक साथ कई प्लेटफॉर्म्स पर रिलीज करना। हालांकि कोविड परिस्थितियों में इस मॉडल से थिएटर मालिकों का कितना फायदा होगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। नामिका को दीजिए इजाजत।